अध्याय दो। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझमें से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इसराइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा, तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था? और उसने ये कहकर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो कि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए और देखो जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। वो रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया। हेरोदेस के मरने तक वो वहीं रहा, इसलिए कि वो वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, पूरा हो। जब हेरोदेस ने देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ ठट्ठा किया है तब वो क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के व उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था पूरा हुआ कि रामाह में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप, राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना न चाहती थी क्योंकि वे हैं नहीं। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ बालक और उसकी माता को लेकर इसराइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए। वो उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इसराइल के देश में आया, परंतु ये सुनकर कि अर्खिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है वहां जाने से डरा और स्वप्न में चेतावनी पाकर गलील देश में चला गया। वो नासरत नाम नगर में जा बसा कि वो वचन पूरा हो जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि वो नासरी कहलाएगा।